जनपद एटा में निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने एटा में दिया बड़ा बयान। टिकैत पर लगाए गंभीर आरोप, राकेश टिकैत को बताया आतंकवादी और दलाल। किसान नेताओं को धुतकारते हुए गुस्से से कहा कि ये लोग गाजीपुर टीकरी और चिंगू बॉर्डर पर मकान बनाकर एसी लगाकर रह रहे हैं। वो किसान नेता नहीं आतंकवादी है। वो किसान नेता हो ही नहीं सकते जो जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। साथ ही शराब और शबाब का भी आरोप लगाया। ऐसा है, आज एटा में आई थी हमारे राहुल ने एक परी अल्ट्रासाउंड सेंटर खोला है, उसका उद्घाटन किया था। जो आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर चल रहा है वो किसान आंदोलन नहीं हो सकता। वो फंडिंग से चलने वाला आतंकवादी के जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी बन रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली पे आतंकवाद फैलाया, जिन्होंने लाल किले पे दूसरा झंडा फहराया, जो संसद में गेहूं भरने की बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में दिल्ली बनाने की बात करते हैं, मैं उनको आतंकवादी कहूँगा। और वो किसान नेता नहीं हो सकती। वो किसानों को बेवकूफ़ बनाकर फंडिंग लेकर उनको रुपया देकर किराए के टट्टू बनाकर वहाँ पर जमे हुए हैं। ऐसे किसान नेताओं को सरकार से मांग है, सारे किसान नेताओं को रेखांकित किया जाए और उन सब की सीबीआई जांच करवाई जाए। और सीबीआई जांच में करने पे उनकी क्या संपत्ति है, कहां से आई, और सबसे पहले भानु प्रताप सिंह की जांच हो कि 30 साल के पहले इस पे क्या था और अब इस पे क्या है, और इन पे क्या था और अब इन पे क्या है। यदि जिनकी संपत्ति अवैध पाई जाए, मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से, जिनकी संपत्ति अवैध पाई जाए वो संपत्ति सरकारी खजाने में हो और वो सभी नेता जेल की सलाखों में हो। कांग्रेस ने फंडिंग शुरू की है, फिर कह दी कि मां चले जाओ पश्चिम बंगाल में, तो फिर दीदी जीत गई, वे दीदी के पास पहुंचे लेने, वहां से कह दीदी कुछ दे दो, दीदी ने दे दिया होगा, मुख्यमंत्री के पास क्या है तो कमी। इसलिए धरना खत्म नहीं हो पा रहा क्या? अरे एक बात बताओ, धरना खत्म होंगे तो इन्हें फंडिंग कौन करेगा? तो बिजनेस मिल गया उनको। बिजनेस है, धरना इनका किसानों के लिए नहीं है, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए है। और मैं कह रहा हूं कि मैं तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामने और भारत के महामहिम राष्ट्रपति के सामने बहस करने के लिए तैयार हूं, और क्या करूं इससे ज्यादा। किसानों से क्या मांग करेंगे आप? किसानों से ये मांग करेंगे कि इनके चक्कर में कोई न पड़े, जो ईमानदार किसान नेता हैं। हाँ, किसानों को जरूरत है किसान आयोग के गठन की, वो हम सरकार से बात कर चुके हैं। और राजनाथ सिंह और नरेंद्र तोमर जी ने कहा था कि किसान आयोग का गठन करने में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री की आवश्यकता पड़ेगी, हम तुम्हारी मांग पूरी करवाएंगे। दिल्ली में बात हुई थी हमारी, इसके बाद उसने बवंडर बनाया, इसको मालूम पड़ा कि मांग पूरी हो गई तो हमारी फंडिंग बेकार चली जाएगी, कोई नहीं करेगा। तो इसने राजनाथ से मिले, एक नेता मिला, वो ले गया दे गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ले गया, मैं अरबों ले गया, जांच करो, मेरे खाते देखो, मेरे परिवार के देखो, मेरे घर की खाना तलाशी लो, घर की खुदाई करवाओ, कहीं गढ़ तो नहीं रहा धन, और इसकी भी जाँच करवाओ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये झूठा है, झूठा हर समय झूठ बोलता है, हर समय झूठ बोलता है। ये कह रहा था हम भानु को जानते नहीं, ये जानता नहीं भानु को, मैं जानता हूँ कि दिल्ली पुलिस में सिपाही था, इसका भाई हल चलाता था, इसका भाई एक उसमें जो वहाँ गन्ना मिलता उसमें चपरासी था, एक सुरेंद्र नाम था उसका, वो पढ़ता था, ये मैं जानता हूँ, ये नहीं जानता। ये मेरे घर भी आया है, टिकैत साहब मेरे घर 17 बार आए थे, या क्षेत्र में जब आते थे तब मेरे ही घर रुकते थे। आप तो टिकैत साहब के बहुत चहेतों में से थे जी, लेकिन वो ईमानदार थे जी। वो ईमानदार थे, उन्होंने एक दिन इलाहाबाद में मुझसे कहा था, मैं सत्य ईश्वर को साक्षी दे के कह रहा हूँ, वो ये कह रहे थे भान प्रताप हमारे राकेश को समझाओ, ये तो दलाली फलाली करने लगा है, हमारी बात बिगाड़ देगा। तो मैंने कहा आपका पुत्र है, आप समझाओ, मैं क्या समझाऊंगा।
85 में माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री से एटा की जलेसर तहसील में सड़क बिजली पानी नहीं था तो मैं गया था, और सन 85 में इन्होंने आदेश जैकब थॉमस डीएम थे उनको कर दिया था। तब क्या हैसियत थी इनकी? तब इनकी हैसियत एक साइड में एक सारसी बनी हुई थी, ये था इनका मकान जी। आगे दो बैल एक भैंस, ये था इनका पूरा, और थोड़ी सी जमीन। अब तो बताते हैं इन पर 400-500 बीघा जमीन है जी। हाँ, और हमारे तो बाबा की जमीन, हमारे पिताजी चार भाई थे तो उसके बाद भी सील में निकली, और हम तो हो नहीं पाए रपति, हम तो कहीं एक ईंट नहीं लगा पाए बाहर शहर में। इनकी तो जाने कितने शहरों में और कितने प्रदेशों में, इसने तो संपत्ति एक उरई का है, वो करता है बात, वो हम प्रदेश अध्यक्ष थे तो ब्लॉक फ्लॉक पर था, उसने वहाँ उरई में संपत्ति इन पर हड़पवाई है, और कहीं मतलब जैसे गौतम बुद्ध नगर में फैक्ट्री बना ली, कहीं कुछ बना लिया, कहीं कुछ बना लिया। तो सीबीआई ही दूध का दूध पानी का पानी, इनके पूरे परिवार की जांच होनी चाहिए मेरा कहना है, और मेरे परिवार की भी जांच होनी चाहिए। हम क्या हैं और ये क्या है, हमसे कहते हैं भानु प्रताप को हम नहीं जानते, एक पत्रकार से कह रहा था हम नहीं जानते, तो हमने कहा कि हम उन्हें जानते हैं, उनके पिताजी को जानते हैं, उनके भाइयों को जानते हैं, सबको जानते हैं, और उन पे क्या था ये भी हम जानते हैं। लेकिन अब हमारी मांग है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति के सामने मैं इनकी औकात खोलना चाहता हूँ, ये बुलाए जाएं और इनके सारे साथी बुलाए जाएं और मुझे बुलाया जाए, तब यदि मेरी कोई बात गलत निकले तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, और इनकी यदि मेरी बात सही निकले तो इनकी तमाम संपत्ति को सरकारी खजाने में, और इनके जितने साथी हैं जिन्होंने एक मोटरसाइकिल पर चलकर दूध का काम करते थे, वो दो दो फॉर्चूनरों में चल रहे हैं, उन सबको जेल खाने में डाला जाए। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।